जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर ओमचो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें इतना प्यार और दुलार प्रदान करने के। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी और यूनिक जानकारी हम आपको हमेशा उपलब्ध करवाते हैं। चैनल से जुड़ें और ज़रूर कमेंट्स में अपनी जो भी राय हो, जो भी अपनी पीड़ा हो, व्यथा हो, वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता लगे और उसका जो भी उपाय हो हमारे द्वारा दिया जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शत्रुओं से सावधान। आपकी राशि के लिए शत्रुओं से सावधान क्यों और क्या वजह पड़ गई? हर व्यक्ति का कोई ना कोई शत्रु होता है। शत्रु दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष होते हैं, एक अप्रत्यक्ष होते हैं, मतलब जो सीधे सामने आपको शत्रु दिखाई देते हैं कि हाँ ये शत्रु है, और दूसरा जो शत्रु इनडायरेक्टली शत्रु होते हैं कि वो सामने से वार नहीं करेंगे, वार करते हैं वो सामने नहीं दिखाई देते, लेकिन वो चुप चुप बैठकर और हमारा शत्रु होते हैं। तो हमें पता है कि 90 मोर्चे, तो हमें पता है कि हमें यहाँ पर लड़ना है, लेकिन 10 ऐसे मोर्चे हैं जहाँ हमें पता भी नहीं कि यहाँ भी हमें लड़ना है। किस भी व्यक्ति के मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये एक बात आप जान लीजिए। तो शत्रुओं से सावधानी के लिए सबसे पहली और मुख्य बात कहना चाहता हूँ मैं कि बेफिजूल की विवादित स्थितियाँ या बेफिजूल का विवाद जिसमें आपका कोई रोल नहीं है, फिर भी आपको घसीटा जा रहा है, कई बार ये चीज़ आप देख रहे हो, आपका कोई रोल नहीं है लेकिन फिर भी आपको घसीटा जा रहा है, क्यों? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पहली और मुख्य बात है कि किसी भी विवाद में, किसी भी विवादित स्थितियों से आप दूरी बना के रखें, और जो व्यक्ति बार बार विवाद करने जैसी कंडीशनें खड़ी कर देते हैं, उन लोगों से भी हमें दूर रहना है। दूसरी बात है कि हमेशा विवादों को इतना तवज्जो ना दें जितना हम दे देते हैं। विवाद दूसरे व्यक्तियों का होता है और कहते हैं कि आप इनसे बात मत करिएगा या आप इनसे व्यवहार मत रखिएगा। क्यों भाई, हम आप दोनों का विवाद है, आप दोनों मेरे लिए बराबर है, ये जो कंडीशन है ये हमेशा आपके साथ होती होगी और होती आई है। तो इनसे निपटने का सबसे अच्छा उपाय है आप बिल्कुल शांत चित्त रहें और अपना पक्ष दोनों की ओर स्पष्ट रूप से रख दीजिएगा, आप पक्षपात मत करिएगा, क्योंकि अगर पक्षपात करेंगे तो तकलीफ आपके लिए बढ़ जाएगी, जो बात है खुली कि हम हमारे लिए दोनों तुल्य हैं। तीसरी बात है कि शत्रु जो होता है दोस्तों, कहीं से किसी भी वक्त हमारा अहित चाहता है, और इन सभी अहितों को बचाने के लिए बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। देखिए, जो पता है आपको शत्रु की ये शत्रुता हो सकती है, उसका भी मैंने आपको उपाय बताया कि आप उस चीज़ को इस तरह से नहीं। अब दूसरा उपाय है कि बहुत सी जगह आपको पता ही नहीं है कि कौन से शत्रु कब से, तो ईश्वर की कृपा के बिना यह कुछ नहीं होता है, जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है, एक बात आप जान लीजिएगा। तो उसकी कृपा के लिए आपको बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण आपको अखंड आत्मविश्वास, जो कभी खंडित नहीं होता वैसा आत्मविश्वास प्रदान करता है, और आपके जितने भी शत्रु होते हैं उनको ऑटोमेटिकली विनाश होता है। विनाश मतलब वो खत्म होते जाते हैं, या तो मित्र बन जाते हैं या किसी भी तरह से जो विवादित स्थितियाँ उन्हें वो भूल जाते हैं, सब कुछ सामान्य हो जाते हैं। और हमेशा जाप करते रहें, ईश्वर का नाम लेते रहें, जाप करते रहें। जाप में वो शक्ति है कि अगर कोई आपका अहित भी चाहेगा ना दोस्तों, तो वो कभी नहीं कर पाएगा। और ये आज के दौर की, आज के इस युग की सबसे बड़ी पीड़ा है जो मैंने आपके सामने रखी है, और इस चीज़ को आप बिल्कुल समझेंगे, इस चीज़ को जितना हो सके अपने बात को समझेगा। तो दोस्तों, ये कुछ अध्यात्म से रिलेटेड या ईश्वरी कृपा के लिए मैंने आपको उपाय बताए थे। कुछ टेक्निकल कारण है कि किसी भी बात को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें होती हैं उन पर भी हमने बात प्रकाश डाला, लेकिन अब हम बात करना चाहेंगे ना समझे की। बहुत से ना समझ लोग होते हैं जो किसी बात को समझना नहीं चाहते, न अपने माता पिता की सुनते हैं, न अपने परिवार की सुनते हैं, और खासकर शत्रुता जो आज के दौर में हो रही है ना, प्रेम प्रसंग के मसलों में बहुत हो रही है। प्यार में मानता हूँ, प्यार की एक अलग ही कंडीशनें होती है, सब कुछ होती है, लेकिन एक शत्रुता का एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्रेम प्रसंग का ये मसले। मुझे बहुत से फ़ोन कॉल्स आते हैं, मुझे बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल देखिए, शत्रुता होना व्यक्तिगत विचार के ऊपर है, आपका कुछ करना होना और सामने वाले का सही तरीके से नहीं समझना आपसे शत्रुता
रखना है क्योंकि उनके पास मैसेज सही नहीं गया। तो हमेशा ये कंडीशन है, इस बात को ध्यान रखिए कि आप जो चाहते हैं, जो संदेश है आपका, वो क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात है निवेश या व्यापार या बिजनेस। जब बिजनेस में दोस्त होते हैं शुरू शुरू में बहुत अच्छे से कि चल ठीक है भाई, ये मेरा आप शुरुआत कर दें, लेकिन ये कभी नहीं होना चाहिए। दोस्ती एक अपना अलग है, व्यापार एक अपनी जगह है। इसलिए कोई भी दस्तावेज लिखित करके रखें, लिखित रूप से करें, ताकि ना आपके हितों का हनन हो ना आपके दोस्त का हितों का हनन हो। क्योंकि बहुत बार छोटी सी बातों पर, क्योंकि बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत बताऊं दोस्तों, जब पैसा आने लग जाता है तब विवाद भी बढ़ जाता है। लक्ष्मी अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आती है, विवाद लेके आएगी, परेशानियां लेके आएगी, खर्च लेके आएगी, क्योंकि लक्ष्मी है। इसलिए मैं शुभ लक्ष्मी की बात करता हूँ, उस पर अब और कभी चर्चा करूँगा, लेकिन प्लीज़ इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखें। और जो जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमेशा विनम्र रहें, सहज रहें और सरल रहें। किसी भी बात के लिए क्षमा मांगने के लिए आप तैयार रहें, और क्षमा मांगने के साथ साथ किसी भी कंडीशनों को आप ऑब्जर्व करें, समझें, सोचें इसका क्या अर्थ है, ये क्यों है, इसकी वजह क्या है, और इसका उपाय क्या है, इस पर गौर किया जाए तो फ़ायदा हुआ। क्योंकि दोस्तों आज का ये दो दौर छोटी छोटी बातों पर शत्रुता को जन्म दे रहा है। घूर कर देख लेना, शत्रुता हो जाना, तो कई सारी परेशानियां हैं। लेकिन उसमें सबसे मुख्य और आशा की किरण आपको मैं बता देता हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, आपकी कभी शत्रुता नहीं होगी, कभी भी किसी के हितों का हनन मत करिएगा। तीसरी बात है, कभी किसी का दिल मत दुखाइएगा। आप हृदय विजेता बन जाए, हार्ट विनर बन जाए, तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और चौथी बात, हमेशा ईश्वर पर यकीन रखें, सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहें और ईश्वर का नाम लेते रहें, क्योंकि तो उसके बिना यहाँ कुछ भी बाकी नहीं है और कुछ भी सच नहीं है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में, और जो भी आपकी राय हो वो भी आप कमेंट्स में लिखें तो भी अच्छा रहेगा। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।